बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। फ्रेंड आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्टील इन स्लैब एंड हाउ टू प्रिपेयर बर बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्लैब। तो लेट सपोज हमें जो स्लैब दिया गया है जिसकी डायमेंशन है 20 फीट और 30 फीट, मतलब जो एक्स डायरेक्शन में है वो है 20 फीट और जो वाई डायरेक्शन में है वो है 30 फीट। अभी हम इसमें स्टील की क्वांटिटी मालूम करनी है। स्लैब डायमेंशन हमें दिया गया है 20 फीट बाई 30 फीट। क्लियर कवर 1.5 इंच इच साइड, मतलब इस साइड पर और इस साइड पर जो क्लियर कवर दिया गया है वो है 1.5 इंच। तो लेंथ ऑफ बार इन शॉर्ट डायरेक्शन, अभी हमने इसका शॉर्ट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन है इसमें हमने इसका लेंथ मालूम करना है। तो इसके लिए हमें दिया गया है इसका जो लेंथ है वो है 20 फीट। 20 माइनस 2 क्या हो गया, इसका ये कवर ये साइड वाला और ये हेड वाली, एक और हम माइनस करेंगे 1.5 इंच, तो 20 फीट माइनस 3 इंच, तो इसे हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 19 फीट एंड 9 इंचेस। इसके बाद हमने लेंथ ऑफ बार इन लॉन्ग डायरेक्शन मालूम करना है इस डायरेक्शन में, मीन्स इन वाई डायरेक्शन। सो इसके लिए हमें जो लेंथ दिया गया वो है ऑलरेडी 30 फीट। सो 30 फीट माइनस 2, इसके जो दो कवर हो गए कंक्रीट कवर, ठीक है, इसको हमने माइनस करना है, तो इसे हमारा जो आ रहा है वो 30 माइनस 3 इंच, तो इसे हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 29 फीट एंड 9 इंच। इसके बाद अभी हमने इसका नंबर ऑफ बार मालूम करना है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अभी अभी हमने क्या करना है, अब हमने जो लेंथ है बार के मतलब इन शॉर्ट डायरेक्शन नंबर ऑफ बार इन शॉर्ट डायरेक्शन, तो हमें किस तरह मालूम करने हैं, जब हम नंबर ऑफ बार मालूम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो हमने लेंथ लेना है एक रास का वाई डायरेक्शन, ठीक है, जो हमें दिया गया है एक रास डिवाइड बाई 30 फीट, इसका जो डिस्टेंस हमें दिया गया है वो है 6 इंचीज, ठीक है, तो हम इसको 12 पर डिवाइड करेंगे तो इसे हमारा आता है 0.5 प्लस 1, तो 61 नंबर ऑफ बार इसे हमारा आंसर आ रहा है जो कि इस तरह होंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में होंगे 61 बार। इसके बाद हमने मालूम करना है नंबर ऑफ बार इन लॉन्ग डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमने बार को मालूम करना है, तो इसके लिए हमने जो डिस्टेंस होता है एक डायरेक्शन या इन शॉर्ट डायरेक्शन वो डिस्टेंस हमने लेना है, तो हमें दिया गया है नंबर ऑफ बार इन लॉन्ग डायरेक्शन, तो 20 ऑलरेडी हमें दिया गया है डिवाइड बाई 0.5, ये जो 6 इंचज है इसको हमने पहले पर डिवाइड किया तो इसे आ रहा है 0.5 प्लस 1, तो इसे हमारा जो नंबर ऑफ बार आ रहा है वो है 41 नंबर ऑफ बार। तो इस डायरेक्शन में जो हमारे लॉन्ग बार आ रहे वो होंगे 41, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है इसके मुताबिक नंबर ऑफ बार को किस तरह मालूम करना है, नंबर ऑफ मतलब स्पेन लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस वन, ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी नंबर ऑफ बार को मालूम करने के लिए। अभी हमने इसका बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह तैयार करना है वो भी अब देखते हैं। अभी हमने क्या करना है, जो स्लेब है इसका बर बेंडिंग हमने तैयार करना है,
तो बर्बेंडिंग सबके लिए सेम होता है, इस तरह बर्बेंडिंग ऑफ स्लेव भी हो गया। इसके बाद अपने इधर क्या लिखना है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सिक्स फाइव ईयर जो भी बिल्डिंग है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी है एक्स फाइव ईयर। इसके बाद अपने सब हेड देना है बिल्डिंग का नाम। इसके बाद है सीरियल नंबर, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, पोजिशन ऑफ बार, बार मार्क, नंबर ऑफ बार, डाया, स्पेसिंग, नंबर ऑफ बार, टोटल नंबर ऑफ बार, कट लेंथ, टोटल लेंथ, इसके बाद पाउंड, पावर फुट इसका वेट हो गया, इसका शेप किस तरह होता है, टोटल वेट किस तरह आ गया मतलब पाउंड में, इसके बाद टोटल वेट आ गया केजी में। अभी हमारे पास पोजीशन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, इधर हमने स्लेब लिया है, तो इधर हमने स्लेब लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्लेब का जो शर्ट डायरेक्शन है उसमें हमने नंबर ऑफ बार मालूम करना है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ बार पहले भी निकाले। नंबर ऑफ बार हमारे पास कितना है, एक, डाया कितना है फोर, और स्पेसिंग कितना है जो कि ऑलरेडी हमें सेक्शन में दिया गया था 6 इंचीज सेंटर टू सेंटर। नंबर ऑफ बार कितने आ रहे थे, 61। टोटल नंबर ऑफ बार कितने आ गए, तो 61 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इससे आ रहे थे 61 नंबर ऑफ बार। कट लेंथ हमें उधर से मालूम किया 19.75 फीट। इसके बाद टोटल वेट, टोटल लेंथ की तरह दिया, ये जो है ये 19.75 मल्टीप्लाई बाई 61, तो इससे हमारा आंसर आ रहा है 1204.75। इसके बाद जो वेट है नंबर फोर बार का वो है 0.667, तो इससे टोटल वेट जो हमारा आ रहा है वो है 8803.17। इसके बाद केजी में जो हमारा वेट आ रहा है वो है 364.41। ये जो नंबर अब बार हो गए एक्स डायरेक्शन में, और इसको हम कहते हैं इन शॉर्ट डायरेक्शन। इसके बाद हमारा पोजीशन है सेम स्लेब का, तो हमने लॉन्ग डायरेक्शन में मालूम करना है, तो इसके लिए भी हमारा नंबर ऑफ पार्ट 7 मतलब इसकी स्लेब है, डाया यूज हो रहा है 4, और इसका जो डिस्टेंस है वो भी 6 इंचीज सेंटर टू सेंटर। नंबर ऑफ बार हमारे पास आ गए थे 41, टोटल नंबर ऑफ बार भी आ गए हैं 41। कट लेंथ हमने उधर से मालूम किया था 29.75, तो ये इसका हो गया टोटल लेंथ। अभी इसका जो यूनिट वेट हो गया नंबर फोर बार का, तो हमने इसको जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8.13.17। इसके बाद जो केजी में डेट आ रहा है वो है ये, तो दोनों को हमने प्लस किया तो इसे हमारा आंसर आ गया ये। अभी हमने इसको 1000 पर डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 0.733 टन। ये हो गया आज का वीडियो जो कि स्लेब के स्टील के बारे में था। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना, और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।